सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ये जो साइड में नेविगेशन पेन है, यहां पर ये डेस्कटॉप डाउनलोड ये क्विक एक्सेस के जो नेविगेशन पेन है तो उसको कैसे हाइड करते हैं तो वो इस वीडियो में आपको बताऊँगा। दोस्तों आप बहुत ही ईजी स्टेप्स है, दोस्तों आप इस स्टेप को फॉलो करके इस नेविगेशन पेन को जो है हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको माई कंप्यूटर को जो है ओपन करना है अपने PC में। दोस्तों उसके बाद जो है आपको यहां पर वीव के ऊपर क्लिक करना है, फिर आप यहां पर देख सकते हैं नेविगेशन पेन, इसके एरो के ऊपर आपको क्लिक करने के बाद यहां पर ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है नेविगेशन पेन ये ऑलरेडी चेक है, तो आप इसको जो है यहां से अनचेक कीजिए। इसको अनचेक करने के बाद जो है आप यहां पर साइड में से देख सकते हैं नेविगेशन पेन जो है हाइड हो गया है। अगर दोस्तों आपको इसको अनहाइड करना है तो आप यहां पर से फिर से वीव में जाकर नेविगेशन पेन में जाकर इसको जो है चेक कर दीजिए, ये जो है अनहाइड हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप इस टूल बार को भी जो है हाइड और अनहाइड करना चाहते हैं तो आप यहां पर से जो है इजीली कंट्रोल F1 प्रेस करके यहां पर इसको भी जो है आप हाइड कर सकते हैं। अगर आपको अनहाइड करना है तो फिर से आपको कंट्रोल F1 प्रेस कर देना है, तो ये टूल बार भी जो है आपका हाइड और अनहाइड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से नेविगेशन पेन को जो है हाइड और अनहाइड कर सकते हैं अपने विंडोज 10 PC में। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।